सबसे पहले तो ईश्वर का बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। फिर बहुत धन्यवाद। पर प्रोपेगेंडा पूरा चला राम मंदिर को फेक बताने का, जो हमारे रोमिला थापर जैसे फिक्शनल हिस्टोरियंस हैं, फिक्शन हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने खूब पूरी कोशिश करी, जी जान का जोर लगा दिया कि भाई राम मंदिर नाम की तो कोई चीज थी नहीं, वहां तो बाबरी मस्जिद थी इसका, और अब वो सारी बातें झूठ साबित हो रही है, अब अवशेष सबूत निकल रहे हैं नीचे खुदाई में, जब खुदाई हो रही है तो। पर एक चीज जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके ही चैनल पे आपके ही मुंह से आपके वीडियोस में सुनी है कि मक्का मदीना के ऊपर कोई डेन गिब्सन की रिसर्च है जिसके बारे में आप बात करते हुए मक्का मदीना की वैधता के ऊपर आप सवाल उठाते हो, उस रिसर्च ने सवाल उठाए जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आपने बात की है, वो मक्का मदीना को लेकर डेन गिब्सन की रिसर्च क्या है, जरा उसके ऊपर रोशनी डालिए। बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हमारे श्रोता जो है इसके बारे में सुने, मैं भी मेरा भी थोड़ा एनलाइटमेंट हो इसके बारे में, तो हमें रोशनी डालिए इसके ऊपर जरा। पहले तो सभी दर्शकों को और जितने भी लोग इसको जहां भी सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो जितनी बार बैठता हूं और जितनी बार जिक्र आता है श्री राम मंदिर के विषय में, क्योंकि हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ भी एक केस था, क्योंकि अगर आप ये देखिए कि कितने आरोप नहीं लगाए गए, मैं ये कहता हूं कि सिर्फ 1400 साल का वनवास नहीं था, फिर से एक 500 साल का वनवास भी झेला है। इसमें ना केवल वो वनवास, बल्कि हमारे ऊपर कितने सारे सवाल खड़े किए गए, कितनी बदतमीजी की गई है, कितने सारे आस्था के ऊपर प्रहार किया गया है, इसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो अगर हम ये बात करें कि इसको फेक बताने की बहुत सारी कोशिशें की गई, और अब तो खुदाई में भी इतने सारे प्रमाण मिल रहे हैं, उससे भी हमें पता लगता है कि उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा चलाया, जिन लोगों ने 500 साल तक उस जमीन को अपने कब्जे में रखा, अपने अपवित्र कदम वहां पर डाले, उन लोगों का जो सेक्रेड प्लेस है आज वो सवालों के घेरे में है। और देखिए, इसी को कर्मा कहते हैं, कर्म फल सिद्धांत इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर के यहां पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जिस तारीख पर यहां भारतवर्ष में प्रभु श्री राम की जन्म स्थली के जो केसेस थे उनकी फाइल खुल रही थी, वहां दूसरी तरफ मक्का मदीना में डैन गिब्सन और उसकी टीम और यहां तक कि जो अरब के लोग थे उनके सहयोग से वहां कुछ और फाइल्स खुल रही थी। इसको मैं कहता हूं कर्म फल का सिद्धांत, समझ जाओ अभी भी टिड्डी दलो, समझ जाओ, सुधर जाओ के इसको कहते हैं परमपिता परमेश्वर का जो कर्मफल सिद्धांत होता है, जैसे को तैसा होता है, देर है अंधेर नहीं है। यहाँ वो फाइल खुली, आवाज नहीं है, वो फाइल खुली, यहाँ वो केस जीते और वहां वो सारे के सारे केस हार गए। 180 करोड़ लोग, 57 देश, नाम मात्र की ही सही लेकिन 10 यूनिवर्सिटीज, लाखों इमाम, मुफ्ती, हाफिज और एक पूरा का पूरा प्रिंस की फैमिली जो उसकी संरक्षा करती है, एक व्यक्ति का भी जवाब, एक व्यक्ति का भी प्रमाणिक जवाब डैन गिब्सन के वीडियो के ऊपर नहीं आया है, उसकी रिसर्च के ऊपर नहीं आया है। उसने अपनी वीडियो, 1.5 घंटे की वीडियो हमारे वैदिक इन्फो चैनल पर पड़ी हुई है, उसको आप देखिएगा जरूर, हिंदी में है। उसने एक एक चीज बताई गौरव भाई, और सबसे बड़ी चीज उसने ये बताई, मक्का मदीना कोई पवित्र शहर नहीं है, मक्का मदीना एक बंजर क्षेत्र था, यहाँ कोई भी पवित्र पूजा ग्रह नहीं था, ना यहाँ पर कोई गारे हीरा नाम की कोई गुफा थी, ना यहाँ पर जो उमरा करते हैं वो दो, जो इन लोगों ने दो पहाड़ियां बताई हैं जो कुरान में जिनका जिक्र आता है, जिनका ये चक्कर भी लगाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि इनके जो प्रॉफेट थे वो उसके ऊपर खड़े हुए थे उस पहाड़ी के, और उन्होंने कहा कि सोचो कि मेरे पीछे फरिश्तों की, अल्लाह की भेजी हुई पूरी फौज खड़ी हुई है, तो क्या तुम उस फौज के सहारे आगे युद्ध कर सकते हो? वो पहाड़ियां आपके 10 फुट के मकान के नीचे बनी हुई हैं आज, यानी था उसको पहाड़ियां बता करके आज प्रकट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। और आप अंधभक्ति देखिए, ये अंधभक्त कहते हैं ना, आप सोशल मीडिया पर देखिएगा, ये जितना टिड्डी दल है ये सारे के सारे अरबी टट्टू अंधभक्त बताते हैं हिंदुओं को, ये इससे बड़ी अंधभक्ति और क्या होगी?
वास्तव में यह जो सेक्रेड प्लेस था ये पेट्रा था, लेकिन जो इनके प्रॉफेट थे, जिनको तथाकथित अल्लाह के भेजे हुए नबी थे, आप ये सोचिए जरा कि उनकी मृत्यु में उनके खुद के लोगों का हाथ हो, उनके पूरे खानदान को मारा गया, बहुत बेरहमी के साथ मारा गया, और उसमें भी उन्हीं के लोगों, इन्हीं के अनुयायियों का हाथ हो, तो कितनी बड़ी बात होगी, हैं? आप सोच सकते हैं कि इस पूरे खानदान के ऊपर या इस व्यक्ति के ऊपर अल्लाह का कोई विशेष अनुदान आशीर्वाद रहा होगा? इवन उनके आगे इस कार्य को चलाने हेतु अल्लाह मियां उनको एक पुत्र तक नहीं देते हैं, जबकि उनकी 11-12 बीवियां भी होती हैं, पुत्र नहीं मिलता है। वो अपने नातियों को, अपने दामाद को इसके लिए नियुक्त भी करते हैं, उनकी निर्ममता के साथ हत्या हो जाती है। ये सारे के सारे जो पॉइंट थे, ये सवाल खड़े करते हैं कि आप यदि किसी भी प्रकार से कुछ भी ऐसी पवित्रता रखते हैं, ईश्वर के द्वारा भेजे हुए, अल्लाह के द्वारा भेजे हुए, किसी को भी मान लीजिए भेजे हुए थे, तो आप, अगर आप दैवी है, दैवी शक्ति है आपके अंदर, तो आप, तो आपकी ये स्थिति है, ये स्थिति है आपकी, है ना? तो ये एक्चुअली क्या था कि पूरा अरेबिक कल्चर फेक है, इनकी सारी पुस्तकें आप पढ़े तो फेक है। इवन जो इन्होंने जो अपनी पवित्र पुस्तक जिसको ये कहते हैं, उस पुस्तक में नया कुछ नहीं है, इसमें नया बनाने लायक कुछ था ही नहीं, सारा तौरात इंजील बाइबल से कॉपी पेस्टेड है। और ये इन सब चीजों के ऊपर बड़ी डिबेट्स हो चुकी है, और वो सारी डिबेट्स ये लोग हार चुके हैं। डैन गिब्सन ने आज जड़ के ऊपर वार किया है, उसने बताया है कि उस टाइम के जो कबीलाई लोग थे जिन्होंने इनके प्रॉफिट के पूरे खानदान को समाप्त किया, उन लोगों में से कुछ लोगों ने वहां जब उनकी हुकूमत नहीं चल पाई, वहां के लोगों ने उनका भरपूर विरोध किया, तो उन्होंने वहां से उठा करके अपने एक नई जगह कोई खोजी और वहां पर ले जा करके छोटा सा सामान जो था वो रख दिया। वहां ये सारी चीजें हुई हैं। इवन आप इसकी इसकी जो क्रेडिबिलिटी है और उसकी जो पवित्रता है उसके ऊपर बात यदि करें, 6वीं शताब्दी के बीच एक राजा हुआ है जिसका नाम था करामाती। वो करामाती इनके उस पवित्र पत्थर को चुरा करके, ना केवल चुरा करके, चोरी चोरी नहीं, इनके लोगों का कत्लो गारत करके, लाशें बिछा करके आता है, उस पत्थर को निकालता है, निकालते वक्त टूट जाता है, घर ले जाता है, उसके और टुकड़े करता है, 7 टुकड़े करता है, टॉयलेट में उसको लगाता है, उनके ऊपर पैर रख के मल मूत्र विसर्जन करता है, और ये 1-2 साल के लिए नहीं, 23 साल तक करता है। और जब तक करामाती जीता है, इन लोगों की औकात नहीं होती है कि उसके पास जाकर के उसका सौदा भी कर सके। उसके बाद ये लिखित है, बताया जाता है कि 50,000 दिनार देकर के उसके बेटे से वो 7 टुकड़े खरीदे गए, उनको साफ किया गया और उनको वापस जोड़ करके आज उसमें चिपकाया गया है। आप ये देखिए कि इनकी पुस्तकों के हिसाब से यदि कोई उस पत्थर को निकालने आएगा तो बड़े बड़े उकाब जो पक्षी होते हैं मुंह से आग के गोले फेंकेंगे उन लोगों के ऊपर, तो प्रलय आ जाएगी, मतलब ये लिखा हुआ है, प्रलय आ जाएगी। वो कुछ नहीं हुआ है। इससे ये शक पैदा हुए कि क्या ये वास्तव में कोई दैवीय चीज है अथवा नहीं है। फिर इसके ऊपर काफी सारे रिसर्च हुए, डैन गिब्सन ने उसमें पुरातात्विक विभाग की बहुत हेल्प ली है, उसमें यूनिवर्सिटीज की बहुत हेल्प ली है, उसमें स्थानीय लोगों की बहुत हेल्प ली है, उसने आसपास के लोगों की और यहां तक कि जितने इतिहासकार थे उन सब की भी बहुत हेल्प ली है। इवन उसने खुद कुरान और जितनी हदीसें उन सब की हेल्प ली है। उस वीडियो में, 1.5 घंटे के वीडियो में उसने 23 साल की रिसर्च को समेट दिया है, जो हमें बताता है कि परमात्मा के यहाँ पर देर है, अंधेर नहीं। कर्म फल सिद्धांत कहता है, जो आज तक प्रभु श्री राम की जन्म स्थली को फेक बता रहे थे, फेक सिटी, फेक प्लेस बता रहे थे, आज उनका खुद का जो तथा कथित सैक्रेड प्लेस है वो खुद फेक निकल रहा है, फेक साबित हो रहा है। लेकिन उनके पास में देखिए, ये हमारी हिम्मत है, हम 500 साल तक लगातार लड़ते रहे, आजादी के बाद 70 साल तक लगातार केस लड़ते रहे, ये हमारी हिम्मत है क्योंकि हम सच्चे थे, हम डटे रहे, लगे रहे। इन लोगों में से हिम्मत ही नहीं है, 180 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति ने चैलेंज नहीं किया।
57 देशों में से एक देश ने चैलेंज नहीं किया, 10 यूनिवर्सिटीज है बड़ी बड़ी, एक ने चैलेंज नहीं किया, इतने बड़े बड़े खलीफा बैठे हुए, एक ने भी चैलेंज नहीं किया। हिम्मत है, दम है तो केस लड़ो, केस करके दिखाओ डैन गिब्सन के ऊपर, तो मैं मानूं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारा का सारा कुछ फेक है, ये केवल और केवल डर के ऊपर जिंदा है। यदि आप आज इनकी उस किताब में से ये बात निकाल दीजिए कि इसके ऊपर शको शुभा नहीं करना है, इस किताब में से बस ये निकाल दीजिए कि इस किताब के ऊपर तर्क वितर्क किया जा सकता है, डिबेट की जा सकती है, आप उस किताब में से ये बात निकाल दीजिए जो मार काट की है, जो काफिरों के ऊपर, जो मुर्तदों के ऊपर, जो मुशरिकों के ऊपर, या फिर इस्लाम छोड़ने वालों के ऊपर, सीधी भाषा में कहें उन लोगों के लिए जो मार काट के विषय, वो आप निकाल दीजिए, फिर देखिए आप स्थिति क्या होती है। सिर्फ और सिर्फ डर के ऊपर ये मजहब टिका हुआ है, अन्यथा इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूं कि कोई व्यक्ति डैन गिब्सन के ऊपर आज तक किसी ने केस क्यों नहीं किया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपके इस मंच के माध्यम से, हर बात पे जो फतवा जारी करते हैं क्यों नहीं किया अभी तक डैन गिब्सन पे, छोटी छोटी बातों पे फतवा जारी कर देते हैं। क्योंकि डैन गिब्सन ही असली ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, जिसने झूठ और सच को दूध और पानी की तरह अलग अलग कर दिया है। बहुत बढ़िया, तो मेरे तो मन नहीं कर रहा है इसको खत्म करें, बहुत देर हो गई है, पर लंबा हो गया, पर फिर भी मन नहीं कर रहा है, ऐसा कर रहा है कि बातें करते ही रात भर करेंगे किसी दिन, ऐसा भी बैठ के रात भर भी बातें करेंगे किसी दिन, और आप आए बहुत और